हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आज हम व्याकरण का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थी से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि एक से अधिक अर्थ, एक शब्द का जब एक से अधिक अर्थ होता है तो उसे अनेकार्थी कहते हैं या अनेक अर्थक, मतलब एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ होगा। जिस तरह से पानी का जल, पानी इज्जत को भी कहते हैं और पानी चमक को भी कहते हैं। ठीक है, आज हम ऐसे ही कुछ शब्द सीखेंगे जिनका एक से अधिक अर्थ है। शुरू करते हैं क्लास। पहला शब्द है अंबर। अंबर, अंबर पता है, कपड़े को भी अंबर कहते हैं, आकाश को कहते हैं ना अंबर, तो आकाश के साथ साथ कपड़े को भी अंबर कहते हैं। अच्छा, दूसरा शब्द है कर। कर, हाथ को भी कर कहते हैं, इसको कर कहते हैं, टैक्स देते हैं ना, उसको भी कर कहते हैं, और सूंड को भी कर कहते हैं। ट्रंक, हाथी का सूंड होता है, उसको भी कर कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है पानी। देखिए, पानी और किस किस को कहते हैं? जल, चमक, ग्लेज। ग्लेज को पानी कहते हैं और इज्जत, सम्मान को भी पानी कहते हैं। जल, चमक, इज्जत। अगला शब्द है गज। आपने देखा होगा कई बार कपड़ा खरीदते समय टेलर कहते हैं कितने गज का कपड़ा चाहिए, या जो व्यापारी होता है उससे जब हम कपड़ा खरीदते हैं दुकान से तो पूछते हैं कितने गज का कपड़ा चाहिए। वो गज कपड़ा नापने का एक इकाई है, तो गज कपड़ा नापने की इकाई को भी गज कहते हैं। और किसको गज कहते हैं? सही, हाथी। हाथी को भी गज कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट वाला वर्ड है, अगला शब्द है पट।
पट। पट किसे कहते हैं? वस्त्र, कपड़े को पट कहते हैं, वस्त्र को पट कहते हैं। इसके अलावा दरवाजे को भी पट कहते हैं और पर्दे को भी पट कहते हैं। पर्दा को भी पट कहते हैं, दरवाजा को भी पट कहते हैं, वस्त्र को भी पट कहते हैं। अगला देखिए, अगला शब्द देखिए, अर्थ। अर्थ धन, धन को अर्थ कहते हैं। धन क्या आपको पता है और किसको अर्थ कहते हैं? आशय मतलब मीनिंग, आशय मीनिंग उसको भी अर्थ कहते हैं। और इसके अलावा अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ प्रयोजन मतलब जिसकी जरूरत हो उसको भी अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कौन कौन से शब्द सीखे? अंबर, आकाश, कपड़ा, कर, हाथ, टैक्स, सुंड, पानी, जल, चमक, इज्जत, गज, माप की इकाई हाथी, पट, वस्त्र, दरवाजा, पर्दा, अर्थ धन, आशय प्रयोजन। बच्चों आप लोग इसको लिखोगे, याद करोगे और एज होमवर्क इसको रिपीट करोगे। पहले आप इसको लिखोगे एज क्लास वर्क, फिर उसको याद करोगे, फिर उसको एज होमवर्क रिपीट करोगे। धन्यवाद।